हेलो हाय नमस्कार गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम हैं दिल्ली जामा मस्जिद की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिनों के बाद फिर से ब्लॉगिंग शुरू की है, ताकि हमें टाइम नहीं मिलता था, थोड़ा व्यस्त थे, तो आज टाइम निकाल के आए हैं घूमने के लिए। साथ में हमारे दोस्त लोग भी हैं, नीतीश भाई है और एक है हमारे रितेश। तो आज चलते हैं, घूमते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आप लोग देखेंगे। बस बने रहिए इस वीडियो में, मज़ा आने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं यही जामा मस्जिद, और ये एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद इसको माना जाता है और सबसे पुराना मस्जिद माना जाता है। और बगल में है, ये देख सकते हैं मार्केट वगैरह लगा है यहाँ पर। ठीक है, इधर देखिए मार्केट, अंदर चलें क्या? रेड फोर्ट तो जाएंगे, आ जाओ विजय, चलते हैं जल्दी से। एक बार देख लेते हैं, चलो सिस्टम के अंदर। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट वगैरह लगा है, और यहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं। अरे सब पहन के जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये है हमारा जामा मस्जिद दिल्ली के। यहाँ पर मार्केट वगैरह लगा है, देखिए नीचे मार्केट लगा है और ऊपर है जामा मस्जिद। तो देख सकते हैं क्राउड तो है, बस उतना क्राउड है नहीं। लगभग बहुत दिनों के बाद आज हम जामा मस्जिद आ रहे हैं, लेकिन हम सोचे आप लोगों को भी दिखाया हो, बहुत दिन हो गए हम जामा मस्जिद का तो वीडियो बनाए नहीं थे, तो सोचे कि आज बना लेते हैं। तो आज हम तीनों लोग एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुए थे, तो हम सोचे चलो घूर लेते हैं। तो फिर घूर के अभी देखते हैं, यहाँ घूर रहे हैं, फिर लाल किला के अंदर जो म्यूज़ियम है उस म्यूज़ियम में जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ का व्यूज हम आपको दिखाते हैं। अरे नीतीश भाई बोलो कुछ, जब मौका मिलेगा तो बोलेगा, अभी नहीं बोलेगा। तो आपको फिर हम एक बार हम दिखा देते आगे से। तो ये है अंदर का व्यूज़ जामा मस्जिद का। ये अभी फ़िलहाल अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इस तरफ से भी आप एंट्री कर सकते हैं और एग्ज़िट ले सकते हैं, और इस तरफ से भी आप एंट्री और एग्ज़िट ले सकते हैं। इसके नीचे आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप जा सकते हैं डायरेक्ट लाल किला की ओर। और यहाँ पे है, ये एशिया का सबसे पुराना मस्जिद है, और सबसे पुराना और सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है इसको। और यहीं पे शाहजहाँ नमाज़ पढ़ने आते थे यहाँ पर। ये बहुत पुराना मस्जिद है और सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है एशिया का, देख सकते हैं। ये फ़िलहाल पीछे जो चल रहा है, अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, और इस तरफ से भी आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, और इस तरफ से भी आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। बट यहाँ से आप जाएंगे तो लाल किला आपको सामने पड़ेंगे, और नीचे मार्केट है फिर से। और आगे चलिए, आगे आपको हम दिखाते हैं। देखो रितेश और नीतीश, ये दोनों तो पहली बार आए हैं। ये लोग बोल रहे थे कि चलो घूम के आते हैं, तो हम बोले चलो इन लोगों को घुमा ही देते हैं। तो ये है छोटा सा पुल जिसमें आप बैठ के टाइम पास रिलैक्स ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ बोलो। तो आज हम आपको इस जामा मस्जिद का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा हम बताना चाहते हैं। इस जामा मस्जिद को शाहजहाँ ने बिल्ड करवाया था, और ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शाहजहाँबाद में माना जाता है। ठीक है, ये यहाँ का सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट में माना जाता है। द मस्क्यू, ये आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्ट था उस्ताद खालिल के थ्रू इसने बनवाया था, वो आर्किटेक्ट था इस जामा मस्जिद का। और इस जामा मस्जिद को बनाने के लिए कम से कम यहाँ पे दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली 5000 लोगों की ज़रूरत पड़ा था, 5000 लोगों की थ्रो इस जामा मस्जिद को बनाया गया था। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट
मैंने मस्जिद में इसको माना जाता है। तो फिलहाल यहाँ का हम यहीं तक हम दिखाएंगे आपको, फिर हम यहाँ से निकलते हैं आगे। म्यूज़ियम में भी जाना है, जामा मस्जिद, सॉरी नॉट जामा मस्जिद का, लाल किला रेड फोर्ट का, वहाँ पर भी जाएंगे। फिर वहाँ का अब हम आपको दिखाएंगे, बस बने रहिएगा। आज का वीडियो में ज़्यादा हंसी मजाक नहीं होने वाला है ताकि वीडियो बनाना बहुत दिन से छूट गया था, अभी फिर से कंटिन्यू करेंगे। देख रहे हैं टाइम ही नहीं मिल पाता आप लोग को दिखाने के लिए कुछ भी, देखते हैं टाइम निकालते हैं जाने के लिए कहीं और, बस थोड़ा दिन के बाद। तो फिलहाल फ्रेंड अभी हम लोग हैं लाल किला म्यूज़ियम में एंट्री करने वाले हैं। म्यूज़ियम नहीं, म्यूज़ियम ही होगा ना, म्यूज़ियम ही तो है लाल किले के अंदर। लाल किला के अंदर तो आ चुके, अभी प्रस्थान कर रहे हैं म्यूज़ियम की ओर। हमारा एंट्री पॉइंट म्यूज़ियम का देख सकते हैं, यही हो रहा है। ये है टॉप, यहाँ से रितेश वर्मा को उड़ाना पड़ेगा। समझने वाला समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। तुझे आगे बैठा देते हैं। वाओ क्या व्यूज है फ्रेंड, देख सकते हैं आप। You can see what a scene. Ritesh Verma, English speaking. Yeah. ये देखिए ये अंदर का व्यू है, मार्केट है। देखिए अंदर में मार्केट भी है भाई, छोटा सा मार्केट है। और ये है देखिए कितना व्यू है ऊपर का, टॉप। Not छोटा, there is huge market. ये देखिए लग रहे हैं कहीं महल में आए हैं भाई, महली है ये, राजा महाराजा का जवाना का। तो देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। देखिए मार्केट, लाल किला के अंदर में मार्केट। रितेश वर्मा के लिए लहंगा लेने एक, हम तो भाई म्यूजियम में हम ये देखने आए थे कि पुराने जमाने का सामाना क्या क्या, ये तो भाई मार्केट लगा रखा है। ये देखिए ऊपर का व्यूज, आर्किटेक्चर देखिए, यहाँ पे डिजाइनिंग देखिए। हाँ ये देखिए इसका एंट्री फ्री है इसको पैसा नहीं लगता अगर आप कुत्ते हो तो आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी। तो जो इंसान अपने आप को कुत्ता मानता है ना उनके लिए फ्री है, सिर्फ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एंट्री वैसे ही मिल जाएंगे। ये देखिए ये है हमारा मार्केट म्यूज़ियम के अंदर में, भाई म्यूज़ियम में यही सारी चीज़ें देखने मिल रहा है पुराने ज़माने का कुछ मार्केट का। हाँ वही तो, ये म्यूज़ियम था ना, ये एक्चुअली म्यूज़ियम बोल के तो हम लोगों को अंदर भेजा गया है, अंदर आए हैं ताकि अंदर पुराने ज़माने का कुछ चीज़ें सब देखने पुराने ज़माने का है, मतलब मेड इन चाइना सामान मिल रहा है और यहाँ पे सब मेड इन चाइना सामान यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए मार्केट, आप आ सकते हैं ना, सीरियसली हम आपको बता रहे हैं मार्केट बहुत बड़ा है अंदर में, आप यहाँ पे आके रंगों बिरंगे सामान आप ले सकते हैं, यहाँ पे रंगे बिरंगे का सामान आप लेके जाती है पागल हो गया। अभी जो हम थोड़ा देर पहले आपको हम जो मार्केट दिखाएं अंदर में, जो छठा, इसको हम छत्ता चौक के नाम से जाने जाते हैं ठीक है। और इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं, इसका हिस्ट्री यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। फ्रेंड ये है म्यूज़ियम का अंदर का व्यूज़ लाल किला का, देख सकते हैं आज उतना क्राउड है नहीं, फिर भी है मिला जुला के क्राउड उतना ही है, एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। कितना स्क्वायर फीट में है ये, कितना स्क्वायर फीट में है, इस देखिए स्क्वायर इनका भी फ्री एंट्री है, इनका भी फ्री एंट्री है। ये है नौबाद खान सलिंगर फोर्ट, नौबाद खान, हाँ आगे थे नौबाद खान, छत्ता चौक, छत्ता चौक ये पूरा प्राचीन नाला है।
हम देख सकते हैं हरियाली हरियाली है इधर में, हवा एकदम फ्रेश वाला मिल रहा है, लगता है बहुत जमाने के बाद, कई सालों के बाद लग रहा है दिल्ली में आने के बाद ना, आज लगभग 2 साल के बाद पहली बार फ्रेश एयर मिल रहा है और पूरी चारों तरफ हरी हरियाली देखने मिल रहा है आज पहली बार। ये तो हमेशा पोल्यूटेड एयर ही हम लोग इनहेल करते थे। रितेश इतना बंदूक चला ना, तो गाइस यू कैन सी हियर अभी हम आपको दिखाने वाले हैं ये क्या है यार, नौबत खाना क्या था, तो नौबत खाना का एंट्री इसमें, जो पहले की जो राजा महाराजा थे ना उन लोग को जो भी सूचना दिया जाता था तो यहीं से दिया जाता था, यहीं है अंदर जाते हैं हम आपको रियर कैमरा से दिखाते हैं उस समय का, कितनी खूबसूरती से ये कलाकारी उस समय बिना मशीनों के भी भाई कौन सी कलाकार ये सब ना सब आप हाथ से ही छेनी हथौड़ी से ही ये सब सारी चीज़ें बनाया गया था। अब देखिए सोचिए कितनी अच्छी बात है। गुड गुड। और आज के इंजीनियर ऐसी कलाकारी तो छोड़िए, कुछ इस तरीके का कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते हैं। जो सूचना दिया जाता था ना, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह मिलते थे तो यहीं से आप एंट्री करते थे और राजा महाराजा को यहीं से एंट्री बंद है, सूचना दिया जाता था। साथ ही यहाँ से अभी एंट्री बंद है, आगे से जाएंगे घूम के जाना पहले का आर्किटेक्चर का डिज़ाइन देख सकते हैं। ये है दीवान आयन, यहाँ पे आपको हिंदी में लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे आपको हिंदी में लिखा गया है और यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा गया है, और यही एरिया है जहाँ पे राजा शाहजहां जो भी पब्लिक होते थे उनका जो भी शिकायतें होता था वो यहीं पे आके सुनते थे, यही वो एरिया है और इसका नाम था दीवान आयन। देख सकते हैं ये था आपका लगभग 450 पुराना है, 450 साल पुराना राजा जी यहाँ पे बैठते थे, एसी लगा हुआ शाहजहां यहीं पे बैठते थे। पुराने जमाने का ये देखिए डिजाइन, ऊपर का डिजाइन भी आप देख सकते हैं क्या कंस्ट्रक्शन था भाई साहब उस समय का, और तो राजा जी यहीं पे बैठते थे शाहजहां यहीं पे बैठता था और यहीं से सबको शिकायत है जो भी दर्ज हुआ करता था सारे चीज़ें यहीं से सुना करता था। आप देख सकते हैं यही प्लेस है जहाँ पे शाहजहां बैठा करता था और यहीं से सबको अपना सूचना देते थे और लोगों के शिकायतें सुनते थे। तो उस समय का ये सारी चीज़ें तो विश्वास नहीं हो रहा वो सारी चीज़ें देख के, और एरिया इतना बड़ा है ना, हमको लगता है यहाँ पे अच्छा से अगर आप घूमेंगे ना यहाँ पे घूमेंगे तो कम से कम आपको 3-4 घंटा लग जाएंगे, ज़्यादा ही लग जाएगा। आप लोग भी आइए देखिए हिस्टोरिक प्लेसेस लोग बहुत अच्छा से यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे, आप लोग भी आइए। और यहाँ का प्राइस भी बहुत कम, ओनली ऑनलाइन अगर आप टिकट काटते हैं ऑनलाइन टिकट आपको पड़ जाएंगे लगभग 56 रुपीज़ के आसपास, और अगर आप ऑफलाइन यहीं से आप लेते हैं तो यहाँ से आपको पड़ जाएंगे एक टिकट का आपका 80 रुपये। एग्जिट बंद कर दिया, तो बेटर है आपको कि आप ऑनलाइन टिकट आप अपना मोबाइल से वेबसाइट पर जाके आप काट सकते हैं। तो दीवान आयम था यहाँ पे, आम जनता का सारा शिकायत यहीं पे सुना करता था राजा जी ने। कुछ क्या हो गया, तोता नहीं देखा तूने? कहाँ है तोता कर रहे हैं तो अभी चलते हैं आगे, ये रंग महल की ओर। अभी चलते हैं हम रंग महल की ओर, मुमताज महल
यहाँ पे आपको मुमताज़ महल और रंग महल आपको दोनों आगे मिलेंगे, वहीं पे भी चलते हैं, आप आपको दिखाते हैं, ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में। ताजमहल कौन सा मुमताज़ इधर है, वो भी म्यूजियम है, देखो उधर यहाँ पे आपको पीने का पानी तो लिखा है, लेकिन है कहाँ पे भैया, देखते तो दिखाई तो नहीं दे रहा, आसपास में ही पीने का पानी जमीन खोद के निकालने से। लेकिन एक चीज़ है, बस फ्रेश एयर पूरा मिल रहा है भैया, मज़ा आ रहा है। अभी चलते हैं मुमताज़ महल की ओर, इधर है ना, इधर है आपका दूसरा कुछ है, इधर भी विजिट करेंगे, पहले चलते हैं मुमताज़ महल की ओर। पानी पीते हैं यहाँ पे अब आके पानी पी सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं, अभी दोनों पानी का मज़ा लेते हुए। यही है मुमताज़ महल, तो अभी अंदर चलते हैं मुमताज़ महल की ओर, आपको दिखाते हैं, आइए ये है मुमताज़ महल। मुमताज़ जी का घर यही है, यहीं पर रहते थे वो, यही उसका महल है, उनका महल। वही तो इसका अंदर में, हाँ इसके अंदर में रूम होंगे, गेट लगे हुए हैं, दरवाजे टूट गए सारे, हाँ, और ये अंदर भी एक अंदर भी रूम है, आप देख सकते हैं, तो अंदर तो अभी जा नहीं सकते हैं, एंट्री बैंड है, एंट्री नहीं लगा रखा, हमें एंट्री नहीं है यहाँ अंदर जाने का, तो बस यहीं से हम आपको दिखा सकते हैं छोटा सा। और दोस्त आप लोगों को हम दिखा देते हैं, यह है मुमताज़ महल, मुमताज़ जी यहीं पर रहते थे। और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपको हिंदी में लिखा हुआ है, ये अंदर झाँक रहा है, देखिए लोगों को क्या अंदर है क्या। और ये फुली अंडरग्राउंड है, ठीक है, अंडरग्राउंड होगा ना ये तो, पूरा फुली अंडरग्राउंड। यहाँ पे मतलब राजा वो जो नाला था ना, वहीं से जो पानी बहता था, यहाँ पे शाहजहाँ मतलब उससे मिलता था, बाहर जो लोग हैं उनसे मिलता था शायद, पर शायद ये है आपका दीवान है खास, और ये है वो। यहाँ पे क्या होते थे ना महाराजा के समय में, जो स्पेशल गेस्ट वगैरह होते थे वो यहीं पे आते थे और यहीं पे रुकते थे हम लोग, और इसको स्वर्ग माना जाता था। और हाँ हकीकत अगर देखा जाए तो ये उस समय में स्वर्ग से कम भी नहीं था ये। अच्छा वो वहाँ पर बैठ नहीं पाए जो खास मेहमान थे ना सामने दिख रहे। ये है सावन मंडप, और आगे और एक है भादो मंडप, यहाँ पर दो मंडप थे, तो आप ले चलते हैं आपको आगे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं म्यूज़ियम की ओर अंदर, तो ये है हाँ म्यूज़ियम बहुत सारा, पहला म्यूज़ियम में हम घुसते हैं, अभी तो हम आप लोगों को जो भी वीडियोस में दिखा रहे थे वो था आपका बाहर से, अभी चलते हैं अंदर म्यूज़ियम में, तो बने रहिए। ये कैप आप देख रहे हैं, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, ये देखिए उस समय का यहाँ पर रखा हुआ है। ये है INF, ये देखिए उस समय का न्यूज़पेपर, लगभग आपका ये होगा 1945 का है। नेताजी की तलवार, उसमें आईडी
इंडियन सोल्जर का, इस तरीके का आईडी कार्ड होता था पहचान पत्र। ये था वो मेडल्स वगैरह बैज जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन में दिया करता था बैजेस एंड मेडल्स ऑफ आई एन ए। अभी देख सकते जापानीज करेंसी नोट्स सर्कुलेटेड इन मणिपुर ड्यूरिंग आई एन ए बस में जापानीज गवर्नमेंट का नोट 100 rupees एंड 10 rupees। ये देखिए सोल्जर एन सी एस ऑफ इंडिया मेजर। ये है सुभाष चंद्र बोस की जी की फैमिली देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको आज़ाद हिंद फौज की वीडियोस वगैरह है, जो पुराना वीडियो शो चलाया जा रहा है यहाँ पे। और ये है, ये भी आपको मिलेगा पुराना फ्लैग चरखे के साथ, अगले दिन में आपको मिलेगा सर के साथ तीर्थ यात्रा। और इसमें सारा चीज़ें आपको इंडिया में ही है, आपको वृंदावन कोलकाता हरिद्वार 1914 की है। आप सोचिए 1914 में हमारे इंडिया का मैप किस तरीके का था। और अभी देखिए, ये देखिए 1914 की हमारा इंडिया की मैप तीर्थ यात्रा, और सारे चीज़ सारे तीर्थ यात्रा का सारे चीज़ हमारे इंडिया में था, हरिद्वार ऋषिकेश बनारस बोधगया कलकत्ता बनारस ऋषिकेश हरिद्वार सब है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कोलकाता यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वृंदावन आप देख सकते हैं कितना बड़ा था और देखने में कितना सुंदर लग रहा था। इंडिया फर्स्ट वार ऑफ म्यूजियम, तो यहाँ से एंट्री करेंगे। बहादुर शाह जफर का यह झंडा था, रोटी और कमल। नाना साहेब साबरी का तलवार, और यह था स्वॉर्ड ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब पिस्तौल, ये है आपका 1957 का, तो 1857 18 सेंचुरी का राजपूतों की वह राजपूत सा जफर का तलवार। कैनन बॉल्स फाउंड नियर ये कश्मीरी गेट के सामने, ये टॉप के गोले हैं, ये आप देख सकते हैं ये टॉप के गोले, ये कश्मीरी गेट के सामने में इसको मिला गया था। ये आपका बहादुर शाह जफर का ये वस्त्र, आप कपड़ा देख सकते हैं बहादुर शाह जफर का का, देख सकते हैं कपड़ा किस तरीके का था। और ये है क्वीन स्कर्ट, क्वीन स्कर्ट रानी के स्कर्ट, रानी के स्कर्ट इस तरीके का हुआ करता था उस समय का।
ये है आप देख सकते हैं फ्रीडम फाइट करते समय, ये है टॉप। ये सब आपका 19 सेंचुरी का कुछ लेटर्स वगैरह पड़ा हुआ है। ये है सेलुलर जेल, ये जेल है। ये है हथकरी, हैंडक्राफ्ट, उसका हथकरिया बोलते थे 19 सेंचुरी। यह था ड्रेस ऑफ नेशनलिस्ट का, ये देखिए चट्टी का कपड़ा पहनते थे, ड्रेस ऑफ नेशनलिस्ट, यहाँ जहाँ वहाँ रहा। आज एक हमारा एक दोस्त 6 महीने के बाद सेलुलर जेल से निकल रहा है, ये देखिए पूरा खुश में 6 महीना जेल में लड़की को भगा के ले गया था। देखो पूरा खुश में आ रहा है, पूरा खुश में है बंदा, आज जेल से निकला है सेलुलर जेल। पीछे एक टॉप, ये वो सब है जो मार्गदर्शन किए, मैंने जो हमारे देशों के लिए शहीद हुए, ये उनकी फोटो। अंदर ले जाते हैं आपको, बिना दास, चलिए आगे ले चलते हैं, आगे दिखाते हैं। तो ये लाल किला के अंदर में आपको मार्केट मिल जाएंगे, जैसे आप एंट्री करेंगे ना म्यूजियम में तो आपको पहले ही आपको ये सारे मिल जाएंगे। आप आ सकते हो तो आप यहाँ से आके मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। दोनों तरफ आपको मार्केट लगेंगे, बहुत लंबा मार्केट है, ये बहुत लंबा है। तो इसमें पहले के ज़माना में महाराजा राजा के समय में यहाँ पर मार्केट लगा करता था, तो इसीलिए यहाँ पर आज भी यहाँ पर मार्केट ही लगते हैं। तो बस फ्रेंड, लाल किला का म्यूज़ियम का वीडियो यहीं तक रहेगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत। आप लोग वीडियो शेयर करते नहीं हैं और आप लोग पूरा देखते भी नहीं है, वीडियो स्किप कर करके देखते हैं फिर आप छोड़ देते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। बस थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।